दोस्तों, संध्या वेज किचन में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि हमारे नए नए रेसिपी के वीडियो आपको सबसे पहले मिले। आज हम अष्टमी नवमी के प्रसाद भोग की रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, जिसके लिए मैं बनाऊँगी काले चने, पूड़ियाँ और हलवा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। पहले हम काले चने को उबाल लेंगे। काले चने को हमने रात में भिगो करके रख दिया था, इसको दो तीन पानी से अच्छे से धो लिया है। अब इसमें पानी डालेंगे, हमने दो गिलास पानी डाला है, और ये इतना सा नमक डालेंगे, आधा चम्मच से कम है, और इन सबको अच्छे से इस तरीके से मिला लेंगे। कुकर का ढक्कन लगाएंगे और गैस पे इसे चढ़ा देंगे। गैस पे कुकर रख दिया है और तेज फ्लेम में चालू कर दिया है, जब तक हमारे चना उबलेगा, जब तक हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। ये आटा को हमने छान करके रख लिया है, और हम इसमें कुछ नहीं मिलाएंगे, ना नमक मिलाएंगे, ना तेल डालेंगे, सादा सिंपल आटा लगाएंगे, क्योंकि जो हम भोग के लिए पूड़ियाँ बनाते हैं वो सादा सिंपल आटा ही लगाते हैं। उसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके आटा तैयार करेंगे। ये आटा हमारा अच्छे से घुस चुका है, ये देखिए इतना कड़ा का आटा होना चाहिए पूरी के लिए, ताकि हम बिना सूखा आटा लगाए हुए इसको अच्छे से बेल सके। अब हम इसे ढक करके रख देंगे साइड में, और चलते हैं देखते हैं हमारे चने का क्या हाल है। कुकर को खोल करके चेक करेंगे कि हमारा चना पक गया है कि नहीं। हमने इसमें चार सीटी दिलवाई थी, ये दब रहा है, इसका मतलब ये चना हमारा पूरा अच्छे से पक चुका है। अब इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए चने को हमने एक प्लेट में निकाल करके रख लिया है, इसे रख देंगे साइड में। अब हम गैस के पैन रख दिया है, गैस को ऑन कर देंगे तेज फ्लेम में, और तेल को थोड़ी देर गर्म होने देंगे। तेल हमारा गर्म हो गया है, इसमें डालेंगे हरी मिर्ची। तो हरी मिर्ची को हमने बारीक चॉप कर लिया है, थोड़ा सा चला लेंगे इस तरीके से। डालेंगे जीरा, थोड़ा सा जीरा लिया है, इन दोनों को अच्छे से चला लेंगे। ये हमारी हरी मिर्ची और जीरा चटक गया है। अब इसमें डाल देंगे धनिया पाउडर, एक चम्मच धनिया पाउडर लिया है, और गैस को मंदी कर देंगे। सूखा मसाला डालें तो गैस को हमेशा मंदी रखना चाहिए। अब डाल देंगे अमचूर पाउडर, हल्दी पाउडर, और टमाटर। तो टमाटर को हमने पूरी बना ली है, और इन्हें अच्छे से पका लेंगे। गैस को तेज कर देंगे और पका लेंगे। नमक डाल देंगे, नमक स्वाद के अनुसार। नमक हमने पहले भी डाला था चने में, इसलिए नमक थोड़ा कम ही डालेंगे, और इसे भी अच्छे से मिला देंगे। ये मसाला हमारा अच्छे से पक चुका है, ये देखिए चारों तरफ से तेल छोड़ने लगा है। अब डाल देंगे गरम मसाला, गरम मसाला लास्ट में डालते हैं, तो इसका टेस्ट अच्छा आता है, अच्छी खुशबू आती है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, और खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगता है, क्योंकि ये भोग प्रसाद के लिए बनाया जाता है ना। तो जितनी भोग प्रसाद के लिए बनाते हैं तो उसका स्वाद वैसे ही बढ़ जाता है, और बिना लहसुन प्याज का बन रहा है ये चना। अब चना डाल देंगे इसमें। एक बार मैं और चने की रेसिपी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, आप मेरे चैनल में जाकर के चेक कर सकते हैं। अच्छे से चला लेंगे थोड़ी देर, चने हमारे पक चुके हैं। गैस को बंद कर देंगे और एक कटोरी में से निकाल लेंगे। ये हमारे काले चने बन करके तैयार हैं। अब चलिए हम चलते हैं पूड़ी की तरफ। खोल करके चेक करेंगे, ये आटा हमारा अच्छे से फूल चुका है। अब हम चलते हैं आगे की प्रोसेस में। छोटा सा पोर्शन तोड़ेंगे इसका, और इसको इधर देंगे साइड में, और हम इसको थोड़ा सा मसल लेंगे। ये आटा हमारा मसल चुका है, अब हम इसकी छोटी छोटी लोइयां तोड़ लेंगे इस तरीके से। ये सारी लोइयां हमारी बन करके तैयार हो गई है। अब हम इसमें तेल लगा लेंगे थोड़ा सा, और एक एक लोइया उठाएंगे इस तरीके से, और इसे बेल लेंगे। हमारी पूड़ियाँ बिल चुकी हैं। चलिए चलते हैं हम गैस की तरफ। गैस पे तेल चढ़ा दिया है, और गैस की फ्लेम को तेज कर दिया है। तेल को थोड़ी देर गर्म होने देंगे। छोटा सा आटा का टुकड़ा डाल करके चेक करेंगे कि तेल गर्म हुआ है कि नहीं। ये आटा ऊपर आ गया है, इसका मतलब तेल हमारा गर्म हो गया है। अब हम इसमें एक एक पूड़ी डाल करके तलेंगे, इस तरीके से कर देंगे। कितनी सुंदर हमारी पूरी फूल करके आई है ऊपर। इसको पलट देंगे,
ये देखिए, आप चाहे तो घी में भी बना सकते हैं, देसी घी में भी बना सकते हैं भोग के साथ के लिए पूड़ियाँ। तो इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये हमारी पूड़ियाँ भी बनकर के तैयार हो गई हैं। अब चलिए चलते हैं हलवा की तरफ। अब हम बनाने जा रहे हैं हलवा। तो जिसके लिए हमने कढ़ाई चढ़ा दी है गैस में और गैस को तेज कर दिया है तेज फ्लेम में। अब हम डाल देंगे घी, 2 चम्मच घी लिए हैं। घी हमारा मेल्ट हो गया है, इसमें डाल देंगे सूजी और सूजी को अच्छे से भून लेंगे। सूजी को अच्छे से भून लेंगे लाल होने तक, अच्छी खुशबू आने लगेगी और थोड़ा सा इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। तब तक भूनेंगे इसको। ये सूजी हमारी अच्छे से पूरी भून चुकी है, लाल हो गई है और अच्छी खुशबू भी आ रही है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। और गैस को मध्य ही रखा है क्योंकि मध्य गैस में ही सूजी भूनी जाती है, तभी इसका कलर अच्छा आता है। और इसमें पानी डाल दिए हैं, पानी थोड़ा ज्यादा ही डाल देंगे। अब इसमें डाल देंगे शुगर, जितनी हमने सूजी ली थी उतनी शुगर ली है। इसे चला लेंगे अच्छे से। डाल देंगे नारियल पाउडर इसी में, नारियल को हमने किस लिया है घर में ही। डाल देंगे किशमिश, काजू, बादाम, ये थोड़े से पिसते हैं, सबको डाल करके अच्छे से पका लेंगे। ये बहुत ही अच्छा हलवा बनता है, बिल्कुल खिला खिला सा। और गैस को थोड़ा सा तेज कर दिए हैं, चने बन गए हैं, पूड़ियाँ बन गई हैं और ये हलवा भी बन करके पूरा अच्छे से तैयार हो गया है। कितना खिला खिला हलवा बना ये देखिए, खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। गैस को बंद कर देंगे और इसे एक प्लेट में निकाल देंगे। ये हलवे के साथ हमारा भोग प्रसाद बन करके कंप्लीट हो गया है। अगर आप हमारा यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आपको हमारे भोग प्रसाद की रेसिपी कैसी लगी।